कैसे हैं आप लोग। आज हम पॉलिटिकल थ्योरी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेकंड सेशन करने जा रहे हैं। ये यूनिट वन का लास्ट क्विज होगा। इसके बाद हम यूनिट नंबर फोर यानी कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पर कल से चले जाएंगे। चलिए, मैं हूँ सूरज और आज का पहला क्वेश्चन नवंबर 2017 में पूछा गया यह क्वेश्चन। द डिलिबरेटिव डेमोक्रेसी इज, ऑप्शंस आपके हैं, अ थ्योरी दैट चैंपियंस एक्सक्लूसिव ह्यूमन राइट। देर इज अ टर्म एक्सक्लूसिवली ह्यूमन राइट, एक्सक्लूसिवली अंडरलाइन, ठीक है। ऑप्शन बी, अ थ्योरी दैट पुट्स फॉरवर्ड इन्वायरमेंट एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेंडा। इन्वायरमेंट नो, डिलिबरेटेड डेमोक्रेसी नहीं यार, तो इन्वायरमेंटलिज्म और इकोलॉजिज्म होता है ना, ये सब चीजें। A theory that concentrate on refining the familiar framework of liberal democracy and a theory that wants to usher in socialism by democratic means. नहीं यार, तो democratic socialism होता है ना ये, तो जो इंडिया में नेहरू जी अपना रहे थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, अ थ्योरी दैट कंसंट्रेट ऑन रिफाइनिंग द फैमिलियर फ्रेमवर्क ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। जो लिबरल डेमोक्रेसी है उसी को और अच्छे रूप में और रिफाइन करके, ये जो उसका और अच्छा रूप है वो क्या बन जाता है आपका, डिलिबरेटिव डेमोक्रेसी। ये इसके बारे में अगर ज़्यादा आपको और जानना हो तो इन फ्यूचर हम लोग इस पर भी वीडियो लाएंगे। और इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि आने वाले टाइम में हम हर यूनिट से थिंकर्स और उनकी इंपॉर्टेंट बुक्स एक जगह कंपाइल करके लाएंगे आपको। देखिए, मैक्सिमम बुक्स में लिखा होगा ये, बट हम ट्राई करेंगे कि एक जगह अगर रहे तो एक ही वीडियो में आपको, जैसे यूनिट नंबर थ्री में 19 थिंकर हैं तो सभी 19 की इंपॉर्टेंट बुक्स आपको एक वीडियो में हो, या यूनिट टू में डब्ल्यू वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में सारे के सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस एक जगह हों, ठीक है। तो और इसके अलावा इन लेक्चर्स का पीडीएफ लेने के लिए आप आ सकते हैं और टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर टू पे। सी राइट मिल्स इन द पावर एलीट ऑफर्ड अ जनरल एनालिसिस ऑफ एलिट्स इन, अब सी राइट्स मिल ने जो उनकी बुक थी द पावर एलीट में एलिट्स का जनरल एनालिसिस किया था, वो कहाँ का, मतलब किस एरिया का था। तो आपके ऑप्शंस तो ये हैं, लेकिन इससे पहले आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर आपको अंडरलाइन करनी चाहिए द बुक द पावर एलीट। मान लीजिए हम तो यहाँ क्वेश्चन करा रहे हैं, लेकिन क्या पता आने वाले टाइम में ये मैच द फॉलोइंग में आ जाए कि हाँ ये बुक किसने लिखी थी। तो सी राइट मिल्स की कौन सी बुक है, एलिटिस्ट थ्योरी के ऊपर, द पावर एलीट, और वो 1956 में आई थी। तो एक आप ये भी चीज़ नोट कर सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन क्या है, एंटायर, ऑप्शंस क्या है, एंटायर कैपिटलिस्ट वर्ल्ड, अब पूरा का पूरा एंटायर कैपिटलिस्ट वर्ल्ड, ये थोड़ा एक्सट्रीम नहीं लग रहा है आपको, एंटायर, कहीं तो कुछ डिफरेंसेस होते हैं। चलिए ऑप्शन बी क्या है, डेवलप्ड कैपिटलिस्ट नेशन ऑफ साउथ अमेरिका एंड ईस्टर्न यूरोप। साउथ अमेरिका कहाँ से सीन में आ गया यार ये एलिटिज्म में। डेवलप्ड कैपिटलिस्ट नेशंस, कैपिटलिस्ट नेशंस, और वो भी डेवलप्ड, एक डेवलप्ड बट कैपिटल नेशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न यूरोप एंड जापान, एंड डेवलप्ड कैपिटलिज्म ऑफ यूएस। अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा, जो उन्होंने जहाँ की एनालिसिस की थी वो कहाँ का था, सी, डेवलप्ड कैपिटल नेशन, कैपिटलिस्ट नेशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न यूरोप। देखिए इटली और उसके आसपास एरिया में एलिट थ्योरी वाली सिस्टम आया था, ठीक है। तो आप कई सारे थिंकर्स भी हैं इसके, तो आप आके बाकी देख सकते हैं। चलिए विल्फ्रेडो परेटो टाइप में एक दो एग्जांपल इसका हो गए। चलिए आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। द ग्रोथ ऑफ जुडिशियल पावर ओवर द लास्ट 100 ईयर्स इन लिबरल डेमोक्रेसीज हैव टेकन प्लेस बिकॉज, अब आपके चार ऑप्शन क्या है, इसका पूछ क्या रहा है ये, द ग्रोथ ऑफ जुडिशियल पावर, द ग्रोथ ऑफ जुडिशियल पावर इन, जुडिशियल के भीतर जो पावर है अपना डिसीजन लेने का, वो किस हद तक जाकर डिसीजन ले सकती है, गवर्नमेंट को पूरा, मतलब गवर्नमेंट की किसी स्टेप को पूरा पलट सकती है, या गवर्नमेंट के दबाव में काम करती है, कैसे काम करती है, ये सारी पावर तो बोलते हैं हम जुडिशियल पावर, कि वो कितना फ्री होकर अपना डिसीजन देती है बिना किसी दबाव के। अब ये पूछ रहा है कि लिबरल डेमोक्रेसीज में ये ग्रो हुआ है, क्यों ग्रो हुआ है। तो ऑप्शन क्या क्या आपके हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन हैव गिवन द जुडिशरी मोर पावर,
एक्सेप्टेंस ऑफ द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, यहाँ पावर्स होगा, सेपरेशन ऑफ पावर्स, द ह्यूमन डायरेक्टिव्स एंड द डी प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, डी प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट। लिबरल डेमोक्रेसीज में क्या होता है कि इंडिविजुअल लिबर्टी होती है, लिबर्टी होती है, अब सबको लिबर्टी होती है तो उसी हिसाब से ह्यूमन राइट का वहां पर उतना ही अधिक होता है, क्या होती है, रक्षा होती है, प्रोटेक्शन होता है, और उसी प्रोटेक्शन को सबसे अधिक उसका बल कहाँ से मिलता है, जुडिशियल पावर से। आप इंडिया में ही एक एग्जाम्पल दीजिए इसका, कि अगर आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ का किसी भी तरीके से हनन हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट उसे सबसे पहले उसका समाधान करेगी, ठीक है। और हम डायरेक्ट आर्टिकल 32 के तहत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। चलिए हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4, फिर से क्वेश्चन डेमोक्रेसी पे, ये जनवरी 2017 में आया हुआ है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज नॉट पॉसिबल इन द मॉडर्न टाइम्स बिकॉज, ऑप्शंस आर पीपल आर इनडिफरेंट टूवर्ड्स द अफेयर्स ऑफ स्टेट, ये क्या है, ऐसा तो कुछ नहीं है, नॉट पॉसिबल बोल रहा है कि आज के ज़माने में डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल क्यों नहीं है। इनडिफरेंट टूवर्ड्स अफेयर्स ऑफ स्टेट, ये हमेशा से रहे होंगे यार, जब क्या स्विट्जरलैंड में क्या एक मुद्दे पर सब लोग रहते हैं क्या, ऐसा तो है नहीं। पॉलिटिकल पार्टीज आर अपोज टू इट, दिस इज नॉट द अप्रोप्रिएट आंसर। प्रॉपर्टाइज क्लासेज अपोज टू इट कैपिटलिस्ट, तो क्या स्विट्जरलैंड में भी तो कैपिटलिस्ट होंगे, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। ऑफ द प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज पोज बाई द साइज एंड पॉपुलेशन ऑफ मॉडर्न स्टेट, देखिए पहले क्या था कि राजा रजवाड़े होते थे, इंडिया का एग्जाम्पल लीजिए आप, गायकवाड़ हो गए, सिंधिया हो गए, तो छोटा छोटा झांसी अलग अलग राज्य है, ग्वालियर अपना अलग राज्य है, त्रावणकोर अपना अलग स्टेट है, तो छोटे छोटे राज्य होते थे। अब इन राज्यों में तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी मोर और लेस हम पॉसिबल बना भी सकते हैं, ठीक है, प्रजा से पूछ लिया गया, लोगों में एक बार वोटिंग हो गई हर बात के लिए जो इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं। लेकिन अब इंडिया एज ए नेशन, छोटी सी सारा दुनिया का एग्जाम्पल, इंडिया में सोचिए आप, इंडिया एज ए नेशन इतना बड़ा है, यहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी कैसे पॉसिबल होगी, तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या है, ये कि द प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज, इतना बड़ा साइज है यार, तो कहाँ कहाँ हर बात के लिए वोटिंग कराओगे यार, कहाँ कहाँ, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलिए आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, ये दिसंबर 2014 में पूछा गया है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। हु आर द फॉलोइंग एडवोकेटेड इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, अब डेमोक्रेसी पढ़ेंगे उसमें से अलग अलग थ्योरीज हैं, तो इकोनॉमिक थ्योरी किसने दिया था, किसने दिया था, ये एंथनी डाउन्स ने, किसने दिया था, एंथनी डाउन्स ने। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, द एलिट थ्योरी वॉज फर्स्ट स्टार्टेड इन, ऑप्शन आर ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूके, सेंट्रल एंड वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, एंड ऑप्शन डी इज ऑस्ट्रेलिया। तो मैंने पहले बताया था इसका आंसर, स्टार्टिंग कहाँ से होती है, कैपिटलिस्ट कंट्रीज, डेवलप कैपिटलिस्ट कंट्रीज जो थी, यूएसए, वेस्टर्न यूरोप, जापान, इन सभी में सबसे ज़्यादा पहले स्टार्टिंग होता है वो कहाँ पे, सी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, मैंने कहा था ये बात ना, इटली के एग्जांपल दिया था, इटली, इटली का एग्जांपल दिया था मैं, तो वेस्टर्न कंट्रीज, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में सबसे पहले शुरू होता है ये। अब देखिए कि दिसंबर 2012 में एलिट थ्योरी से सबसे इजी, इतना इजी क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन धीरे धीरे लेवल अप होता है। तो इसी तरीके से अब देखिए, यूनिट नंबर 1 में दो पार्ट है, कॉन्सेप्ट एंड ट्रेडिशंस। ट्रेडिशंस में मार्क्सिज्म लिबरलिज्म से बहुत क्वेश्चन पूछ चुका है, पहले वो काफ़ी डीप में जाके पूछा हुआ है, ईजी पूछा, डीप में पूछा, अब लिबरलिज्म और मार्क्सिज्म को तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इतना पूछ चुका था, पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे उसे। लेकिन इसके अलावा आपको अब ज़्यादा फोकस करना चाहिए पोस्ट मॉडर्निज्म, इकोलॉजिज्म, फेमिनिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, जो जो नए नए थ्योरीज हैं, इन पर ज़्यादा फोकस करिए, इन पर, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन इस बार भी आए थे, इस बार भी पोस्ट मॉडर्निज्म से अच्छे खास क्वेश्चन आए थे, 4-5 क्वेश्चन। और आने वाले टाइम अगर मेरे पास ठीक ठाक पीडीएफ मिलता है इस साल 2019 तो मैं एनालाइज करूंगा उसको एक बार, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, 7th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज वॉज फर्स्ट स्टार्टेड एज ए क्रिटिक ऑफ डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म, ऑप्शंस क्या इसके हैं, एलिट थ्योरी, स्ट्रक्चरलिज्म, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच,
ऑप्शन सी कम्युनिकेशन थ्योरी एंड ऑप्शन डी गेम थ्योरी। चलिए, तो ऐसे पहली थ्योरी जो कि डेमोक्रेसी और सोशलिज्म दोनों का उनके एक्सट्रीम फेज का क्रिटिक करती है, वो कौन सी थी आपकी? एलिट थ्योरी। कौन सी थी? एलिट थ्योरी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? एलिट थ्योरी। ये गेम थ्योरी तो आईआर का पार्ट है, ठीक है, आईआर का पार्ट है। तो चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिसंबर 2018 में पूछा गया ये क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ मार्क्स डायलेक्टिक मेटेरियलिज्म आर करेक्ट? ए, ऑल द मास फेनोमेना ऑफ हिस्ट्री आर डिटरमाइंड बाई इकोनॉमिक कंडीशन। अंडरलाइन द कीवर्ड, व्हाट इज डायलेक्टिक मेटेरियलिज्म? भाई साहब, मार्क्स ने डायलेक्टिक मेटेरियलिज्म भी दिया था, हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म भी दिया था और बहुत सारा काम दिया था। तो इनमें से आपको ये समझना है कि ये किस में से होगा। ठीक है, अब बी क्या है, सेकंड ऑप्शन क्या है? प्रोडक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज। सारी बातें बोली गई, ऐसी बात नहीं इसमें कोई गलत है, लेकिन डायलेक्टिक मेटेरियलिज्म के रिगार्डिंग कौन सी बात सही है, ये ध्यान देने की बात है। मेन इन एसोसिएशन प्रोड्यूस मोर देन मेन इन आइसोलेशन, मेन इन आइसोलेशन। एंड ऑप्शन फोर इज रिलीजन इज ओपीएम ऑफ द पीपल या ओपीएम ऑफ द मासेस। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। अब देखिए, ये तीनों तो डायलेक्टिक मेटेरियलिज्म के बारे में सही कहा गया था। ये देखिए मेटेरियलिज्म, ठीक है, रिलीजन इज ओपियम टू मासेस, ये मार्क्स ने बोला तो है, लेकिन ये मार्क्स के डायलेक्टिक मेटेरियलिज्म का फीचर नहीं, रिलीजन ये स्टेटमेंट नहीं है फीचर। तब देखिए फोर को एलिमिनेट करिए, सिर्फ इतना देखिए, देखने में तो लगता है कि मार्क्स कह रहा हूँ एनटीए ने इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन सेट किया हुआ है, इतना सारा पढ़ो, 1, 2, 2, 4, 1, 2, 3 ऐसे करते रहो, लेकिन अब जो पकड़ेंगे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो ये लाइन फोर्थ ऑप्शन एलिमिनेट होता है कि डायलेक्टिक मेटेरियलिज्म से रिलेटेड नहीं है ये डायरेक्टली। तो अगर फोर्थ को एलिमिनेट करो यार, सीधे आंसर हो गया आपका। बाकी छोड़िए, ये आपको नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता, ये तो पता ना कि ये नहीं है, बस इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए नाइन्थ क्वेश्चन, फॉर जे एस मिल विल इज द बेसिस ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस। ये बार बार टाइपिंग एरर हो जाती है, इसको बार बार एडिट करना पड़ता है। ऑल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग द स्टेट, मैंने पहले ही कहा था assertion, रीजनिंग और रीजन के क्वेश्चन को दो स्टेटमेंट मानिए पहले, फिर देखिए दोनों सही है कि नहीं। तो मिल ने तो कहा था कि विल इज द बेसिस ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस, जो भी पार्लियामेंट खड़ी है, गवर्नमेंट है, सब है, तो विल के आधार पर ही है, विल है तभी है, तो सही है ये चीज। एंड सेकंड क्या है? विल इज नॉट ओनली डिपेंडेंट ऑन नंबर, इट हैज द क्वालिटेटिव फाउंडेशन। यस, क्वालिटेटिव फाउंडेशन की बात करते हैं मिल साहब। एंड दैट विल विच मेक्स द इंस्टीट्यूशन टेक्स इन द फॉर्म ऑफ अ बिलीफ। यस, जो जनरल विल होती है वो उस पर विश्वास होता है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। अब एक्सप्लेनेशन सही है कि नहीं, देखिए सिंस विल का क्वालिटेटिव फाउंडेशन होता है और इंस्टीट्यूशंस उस पर बिलीफ रहता है, ठीक ना, दैट विल विच मेक्स द इंस्टीट्यूशन मेक टेक ऑन द फॉर्म ऑफ ए बिलीफ, इसीलिए मिल बोलते हैं कि विल इज द बेसिस ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि उस पर बिलीफ है, इसीलिए सभी का बेसिस क्या है? विल ही होता है। ठीक है, तो दोनों आपस में सही हैं, दोनों स्टेटमेंट भी सही हैं और एक्सप्लेनेशन भी सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िएगा आप दोबारा, तो आई होप आपको ये क्लियर है। ओके, तो मैं इन पीडीएफ में जहाँ जहाँ एडिटिंग होती है मैं इसको एडिट करके अपलोड कर दूंगा, तो फिर आप वहाँ से ले सकते हैं। आप इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगा, वहाँ पर जा सकते हैं आप। चलिए अगला क्वेश्चन, टेंथ क्वेश्चन, दिसंबर 2018 में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ मार्क्स थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। देखिए पीछे जाते हैं, देखिए ये भी दिसंबर 18 में पूछा गया और ये भी दिसंबर 18 में पूछा गया है,
इससे पहले भी जाते हैं, ये भी दिसंबर 18 पूछा गया है। तो देखिए कि मार्क्सिज्म पे कितना अंदर जाके ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, दोनों क्वेश्चन। अब चलिए आते हैं, ये चार स्टेटमेंट दिए हुए हैं मार्क्स थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू के ऊपर। इट इज द एक्सटेंशन ऑफ रिकार्डो थ्योरी। यस, रिकार्डो की थ्योरी को ही एक्सटेंड करके इनने अपनी थ्योरी दिया था सरप्लस वैल्यू वाली। तो इसे एलिमिनेट करिए आप, टू एंड फोर को। वन तो भाई जिसमें होगा वही सही होगा, ठीक है। अब हम आते हैं, तो टू एंड फोर छोड़ दीजिए आप। अब आते हैं सेकंड पे, लेबर पावर्स इक्वल्स द ब्रेन मसल्स एंड नर्व। यस, ऑफ द लेबर। यस, ये भी सही है। तो वन टू दोनों सही है, वन एंड टू तो हो गया। अब देखते हैं ऑप्शन क्या है, वन टू एंड फोर, वन टू थ्री एंड फोर। तो अगर थ्री सही होगा, सिर्फ थ्री, अगर थ्री सही है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, वन टू थ्री एंड फोर। अगर थ्री नहीं सही है तो वन टू एंड फोर हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ एवरी कमोडिटी इज नॉट प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी और लेबर कॉन्टेंट इन इट। ओके, तो क्या बोलते हैं, द वैल्यू ऑफ एवरी कमोडिटी इज नॉट प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी और लेबर कंटेंट इन इट। अब देखिए क्या बोला ये, नॉट, तो दिस इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग दिस। एंड द ऑप्शन फोर इज द वर्क मस्ट बी पेड अ प्राइस, द वर्कर मस्ट बी पेड अ प्राइस प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ लेबर आवर्स दैट एंटर्ड इन इनटू इट्स प्रोडक्शन। यस, वही तो बोलते हैं ना भाई, लेबर मेहनत ज़्यादा करता है और उसको उस हिसाब से पैसे कम मिलते हैं, उसकी सरप्लस वैल्यू क्या है, यही बोलते हैं ना कि लेबर काम जितना करता है उस हिसाब से उसको पैसे कम मिलते हैं और सारा पैसा कैपिटलिस्ट का क्लास रख लेता है उसको। इसका आंसर क्या होगा आपका, वन टू एंड फोर, वन टू एंड फोर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, ग्राम्सी कैरेक्टराइज्ड फासिज्म। फासिज्म को ग्राम्सी किस रूप में लिखता है, ऑप्शन आर हेजेमोनिक रिवॉल्यूशन, पैसिव रिवॉल्यूशन, बुर्जुआजी रिवॉल्यूशन एंड पेटिट बुर्जुआजी रिवॉल्यूशन। इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा, पैसिव रिवॉल्यूशन, ठीक ना। तो ग्राम्सी साहब फासिज्म कैसे देखते हैं, एक पैसिव रिवॉल्यूशन के रूप में, जो डायरेक्ट तो नहीं होता है लेकिन इनडायरेक्टली धीरे धीरे हो रहा होता है फासिज्म के रूप। अब देख सकते हैं इटली का जो कल्चरल, और या इंडिया का एग्जाम्पल दिया था, इंडिया में देखिए अभी वर्तमान स्थिति में क्या हो रहा है, ध्यान से समझिए, इस बात को सोचिए क्या हो रहा है और वो क्या है एक तरीके से। चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसा पॉलिटिकल साइंस से हो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, उसको एक बार इंडिया से कोरिलेट करिए, अपने आसपास में कोरिलेट करिए। और ये चीज़ पॉलिटिकल साइंस में नहीं, पेपर वन में भी, टीचिंग एप्टीट्यूड में, रिसर्च एप्टीट्यूड में, इन सब में देखिए, अगर आप रहेंगे तो क्या करेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड में सबसे अधिक काम आता है ये चीज़, अपने आप को रख के देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से चीजें सही लगेंगी आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ मॉडर्न लिबरलिज्म, ऑप्शंस आर फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स एट द अथॉरिटी, फिर से कीवर्ड मॉडर्न लिबरलिज्म और ट्रू, क्या सही है और किसके बारे में, मॉडर्न लिबरलिज्म। देयर आर डिफरेंस बिटवीन मॉडर्न एंड क्लासिकल लिबरलिज्म, क्लासिकल लिबरलिज्म अलग है, मॉडर्न अलग है। तो फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल्स एट द अथॉरिटी, ये तो भाई साहब लिबरलिज्म का तो है, लेकिन क्लासिकल लिबरलिज्म, ठीक है। रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रुप, इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रुप, ये पता है आपको, मुझे तो नहीं पता अभी क्या है इसका सिस्टम। सपोर्ट द लिमिटेड रोल ऑफ स्टेट, ये भी क्लासिकल वाला था, आप याद करिए, सब पैसा कमा रहे थे, बोलते थे नहीं ठीक है यार ने कमाने तो क्या दिक्कत है, आप स्टेट का काम क्या है, उनको बिजनेस करने में कोई दिक्कत ना हो बस। तो ये भी क्लासिकल लिबरलिज्म है। अब देखिए, वन भी क्लासिकल लिबरलिज्म, थ्री भी क्लासिकल लिबरलिज्म, काटिए वन और थ्री इसमें भी है, वन इसमें भी काटिए, थ्री इसमें भी काटिए, बचा क्या टू एंड फोर, आपको नहीं पता लेकिन ये तो पता होगा कि हाँ मॉडर्न लिबरलिज्म स्टेट को सपोर्ट करता है, किस चीज में, रेगुलेशन टू सेव गार्ड द वीक। हाँ, वो कौन सा इंडिया की कल्पना की गई थी, वेलफेयर स्टेट वाली। हाँ, तो ये वेलफेयर स्टेट क्या करता है, मॉडर्न लिबरलिज्म वेलफेयर स्टेट, ये सेफ गार्ड ऑफ द वीक की बात करता है ना। तो फोर तो सही है, लेकिन आपने पहले ही एलिमिनेट कर लिया कि क्लासिकल लिबरलिज्म स्टार्टिंग वाले लिबरलिज्म में क्या था, वन और थ्री था, वन एलिमिनेट किया, थ्री एलिमिनेट किया, ठीक है, वन हटाया, थ्री हटाया, तो बचा क्या टू एंड फोर, वही इसका आंसर हो जाएगा।
चलिए हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी 2 और 4। क्वेश्चन नंबर 13, ये क्या है, मैच द फॉलोइंग है, दिसंबर 2015 में पूछा गया, मैच द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट और उनसे रिलेटेड थिंकर्स। अब देखिए ये बताइए कि वेल ऑफ इग्नोरेंस किसने लिखी थी, वेल ऑफ इग्नोरेंस का कॉन्सेप्ट किसका है। जॉन रॉल्स को कई बार पढ़ना पड़ता है आपको, जॉन रॉल्स को पेपर यूनिट 1 में पढ़ना पड़ता है, 2 में पढ़ना पड़ता है और आगे भी पढ़ना पड़ेगा, तो आपको ये तो पता होगा ना कि जॉन रॉल्स ने लिखा है ये ए का 3 बस, बाकी दुनिया से कोई मतलब नहीं है आपको, ए का 3 हो गया। अब देखिए ए का 3 किस में है, सी में है, क्या किसी और में ए का 3, ये नहीं है, सीधे आंसर इसका सी, बाकी हम देख लेते हैं, सीधे आंसर इसका 3 हो गया। कार्ल मार्क्स ने एलिनेशन थ्योरी दी थी, कार्ल मार्क्स ने, इसका हो गया जॉन रॉल्स, एलिनेशन की थ्योरी कार्ल मार्क्स देते हैं, इसके अलावा पीस मिल सोशल इंजीनियरिंग की थ्योरी कार्ल पॉपर देते हैं, मुझे नहीं पता भाई कार्ल पॉपर ने कौन सी थ्योरी दी थी, कोई बात नहीं, और नाइट वॉचमैन वाली थ्योरी रॉबर्ट नॉजिक देते हैं, मुझे ये भी नहीं पता, मुझे बस एक बात पता है कि वेल ऑफ इग्नोरेंस ने ये किसने दिया था, जॉन रॉल्स ने, थोड़ा सा बढ़ के ये भी पता है कि हाँ एलिनेशन थ्योरी कार्ल मार्क्स ने दी थी, बस आंसर आ गया, एक से आंसर आ जा रहा है। तो देखिए कैसे एक ही बुक का आपका नाम पता है लेकिन वहाँ आंसर आ गया आपका ना, भले से सब नहीं पता है, तो इसलिए यहाँ पर स्मार्ट गेस्ट लगाने की ज़रूरत है और ये क्लियरली इसी से आपका हो जाएगा, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि बहुत डीप में आपको जाने, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हाँ एकदम लगे पढ़े हैं, एकदम 20 किताब पढ़ रहे हैं, ये किताब पढ़ लें वो किताब पढ़ लें, आप ये देखिए कि इस किताब को पढ़ने से मेरा कितना क्वेश्चन सही होगा, ये बेनिफिट रेशियो टाइम कितना कम बचा हुआ है और क्या है, आई डोंट नो कि ये टाइम आने वाले टाइम में एग्ज़ाम कैंसिल तो कभी नहीं होगा, पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा, क्या पता दिसंबर 20 तक, सॉरी जून 20 तक सब कुछ सही हो जाए, भगवान करे सही हो जाए, जल्दी से जल्दी सही हो जाए सब कुछ, तो आई डोंट नो कि एग्ज़ाम बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, बट हमें ये मानना चाहिए कि एग्ज़ाम नहीं बढ़ने वाला है और लगे रहना चाहिए अभी से भी, जब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जा रही है। चलिए आते हैं हम 14th क्वेश्चन पे। 14th क्वेश्चन क्या, मैन मस्ट इट व्हाट ही थिंक्स बिफोर ही थिंक्स, आदमी को सोचने से पहले खाना चाहिए, एंड टू ईट ही मस्ट प्रोड्यूस, और खाने के लिए क्या चाहिए, उसको पहले उगाना चाहिए, प्रोडक्शन इज द बेसिक एक्टिविटी, प्रोडक्शन इज द बेसिक एक्टिविटी, प्रोडक्शन की बात की गई है लास्ट में, ये बात कौन कहा होगा, अगर किसान की बात है तो हमें लगता है कि माओ ने बोला है, लेकिन यहाँ पर मेन क्या कीवर्ड है, प्रोडक्शन, बात किसने कही है, कार्ल मार्क्स ने बोली है, किसने बोली है, कार्ल मार्क्स ने, क्या बोला है, मैन मस्ट ईट बिफोर ही थिंक्स एंड टू ईट ही मस्ट प्रोड्यूस, जब पेट में कुछ रहेगा तभी होगा ना, एक कहावत है हिंदी में कि भूखे पेट भजन न होए गोपाला, ऐसा कुछ है ना, तो इसी का ये बात मार्क्स भी बोलते हैं। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, जून 2014 में पूछा गया है, मार्क्स थ्योरी ऑफ स्टेट एंड रिवॉल्यूशन आर टेकन फ्रॉम, मार्क्स ने स्टेट और रिवॉल्यूशन की थ्योरी कहाँ से ली थी, रिवॉल्यूशन वाली, अब रिवॉल्यूशन की थ्योरी कहाँ से आई होगी, ऑब्वियसली बात है फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक है इसलिए बोलता हूँ कि एक थिंकर को ये पढ़िए उनका लाइफ एंड वर्क, एक थिंकर का हर थिंकर के बारे में लाइफ एंड वर्क, ये उनके बारे में अगर आपको कहीं नहीं मिल रहा है तो विकिपीडिया पर सर्च करिए उनके बारे में, हिस्ट्री आप होंगी, कब पैदा हुए, कहाँ गए, कब जेल गए, कब मरे, लाइफ में क्या क्या किया, बुक वगैरह तो बाद में याद करनी है यार, अगर आपको ये पता हो किस देश में गए, किन से बढ़िया संबंध था, किसके एंटी थे, क्या था, तो काफ़ी चीज़ें तो आपको ऑटोमेटिकली गेस आपका स्ट्रांग हो जाएगा कि हाँ अगर यहाँ पर गए होंगे वो इसका सपोर्ट नहीं करते थे, इनकी लड़ाई हुई थी, तो ये चीज़ तो नहीं होगी, तो इस चीज़ को डेवलप करने की कोशिश करिए आप। चलिए ठीक है, तो आज की क्विज यहाँ ख़त्म होती है, थैंक यू, और बाकी भी पुराने भी लेक्चर्स देखते रहिए आप लोग, जो लोग नहीं देखे हैं, जो लोग आज पहली बार ये देख रहे होंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए पॉलिटिकल साइंस 02 से, आने वाले टाइम में मैं 2 प्ले लिस्ट रखूँगा, एक पॉलिटिकल साइंस 02 नाम से और एक यूनिट 1 पॉलिटिकल थ्योरी, यूनिट 2 WPT, यूनिट 3 IPT, ऐसे करके अलग से प्ले लिस्ट बना दूंगा, हर प्ले लिस्ट में
पांच वीडियो कम से कम होंगे क्विज के और दो वीडियो प्रीवियस ईयर के। ठीक है, चलिए आज के लिए धन्यवाद।